नंद बाबा बोले लाला बड़ी देर लगाई आवे में। कन्हैया बोले चाचा जी नहावे लग गए यमुना जी में, इन्हें देर लगा ली। इन्होंने ही समय व्यतीत कर दिया पूरा। बोले अच्छे आ गए। हाँ बोले अच्छे, कोई बात नहीं, अभी तो सूरज अस्त होने वाला है, संध्या का समय होने वाला है, चल हम रथन पे, तुम रथ पे आए हो तब भी देर लग गई, हम घोड़न पे आए तो बैलगाड़ी पे आए तब तुम तो पहले आएगे। कन्हैया बोले नंद बाबा हमें आज्ञा दे तो मैं मथुरा नगरी घूमिया में। नंद बाबा बोले लाला जी मथुरा नगरी है अपनो, गोकुल वृंदावन नहीं है कि जहां मर्जी तुम घूम लोगे। ये कंस का महल है, कंस की राज पाठ है यहाँ पे पूरा। बोले नहीं नहीं हम तो बस जी गए घूमे और जी लौट के आए। बोले लाला मोते ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तू ब्रजमंडल में तो सुधरो ना हो, यहाँ के कैसे सुधर जावे को, का भरोसा है तेरो। दाऊ दादा की तरफ आंखों से इशारा किया तो दाऊ दादा बोले बाबा तुम मोकू आज्ञा दे, मैं जा रहा हूं और मैं देखूंगा, मैं अपने संग बुला ले जा रहा हूं। नंद बाबा ने विचार करो ये मेला देखवे की उमंग मन में जा रही है, बार कहने की कल को मेला है, आज थोड़ी बहुत तैयारी होगी देख आएंगे, जाओ। लेकिन सुनो दाऊ मो या कन्हैया पे नेको विश्वास नहीं है, नेको भरोसा नहीं है, तो पे बहुत विश्वास है, पर ज्यादा रात मत करियो, टाइम पे आ जाइयो, काउते झगड़ो मत करियो, कोई फसाद मत करियो, कोई शिकायत मत करियो। श्री दामा मधुमंगल सब बोले हमू चल रहे, बोले सबरे जा रहे हो पर जल्दी लौट के आई हो, आज तो ग्वाल मंडली को लेके गोविंद मथुरा नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मथुरा नगरी में जो कोई देख रहा है आंख फाड़ फाड़ के देखे, अरे जेई कन्हैया है, यही दाऊ है, इन्होंने ही पूतना मारी, इन्होंने ही ये इतने बड़े बड़े राक्षस मारे, अकासुर बकासुर वत्सासुर जो सब इन्हें ही मारे। अरे यकी तो कितने कोमल कोमल या के हाथ हैं, कैसे घुंघराले घुंघराले बाल हैं, जिन नेक ससों को लालाई है, अरे अभी 11 वर्ष को ही तो कुल बताओ, यानी कैसे मारे होंगे। आज तो सब दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ग्वाल वाल बोले लाला एक बात समझ में नहीं आ रही, जितको हम जा रहे हैं तुमको भीड़ क्यों लग रही है, ऐसी पतों पर है जैसे बावरे गांव में ऊंट आएगा होए। कन्हैया बोले अरे सारे हो तुम्हें कछु नहीं पतो, यहाँ हमारी गुप्त चुप रिश्तेदारी है। बोले कौन सी, बोले जी हमारे ननसार है, ननसार जी हमारी मम्मी को गांव है, और पूरे संसार में एक ननसार ही ऐसी होती है जहां हमें लोग पापा के नाम से कम मम्मी के नाम से ज्यादा जानते हैं। कौन को है अपने गांव में हो तो क्या पूछेंगे कि फलाने साहब को छोड़ा है साहब, अरे की गुनाए गोतकाए कोने वा मकान उनको छोड़ा है, और ननसार में अरे जी कौन को है कि फलानी लाली का छोरा है साहब, हमारी लाली का छोरा है। एक ननसार का ही भाव ऐसा होता है, और ननसार के बारे में तो ये कहते हैं कि ननसार तो धन्य है जहां मां के नाम से हमें पुकारा जा रहा है। कन्हैया बोले जहां हमारे मामा नाना सब ननसार है। ग्वाल बाल बोले सारे पहले बता दे तो हम तो ऐसे उल्टे सीधे कपड़ा पहन के चले आए, और तू तो एकदम चमचमाते हुए पहन आए हो, हमें ऐसे ठटी चले ननसार में बेइज्जती ना करवा रहा तू। बोले काई चिंता कर रहे हो, हमारे मामा को कोई छोटा मोटी बात थोड़ी है, कर रहे में हाथ है, चलो तुम्हें भाई बढ़िया कपड़न को इंतजाम करवाऊं। अब तो पहुंचे भैया धोबी घाट पर पहुंचे हैं, धोबी ते बोले मामा राम राम, धोबी ते कह रहे हैं कन्हैया मामा राम राम, धोबी बोलो जवान संभाल के, कन्हैया बोले मामा ना है तो नाना लगत हो, वो नाना राम राम। बोले तू कौन है, बोले अरे कंस हमारे मामा लगती हैं,
आप उनके महल में हो तो या तो मामा होंगे या नाना होंगे, चाचा ताऊ तो या धरे ना हमारे। वो धोबी बोला, अच्छा तू कृष्ण है? बोले हाँ जी मामा। बोले अब तेरी टाटा बाबा को टाइम आएगा, कल तेरा अंत हो जाएगा, तू यहाँ पर ये सोच रहा है तुझे मेला देखने को बुलाए हो, तो को तो दूसरो मेला दिखावे की तैयारी है, और तूने ये अपनी जो दादागिरी है ना गोकुल में और वृंदावन में चला ली होगी, या नहीं चलेगी जो मथुरा नगरी है, तो जैसे यहाँ सेतन में आवे और गांव के गुवार। कन्हैया बोले मामा थोड़े कपड़ा दे दे, इतने भाषण तो मत दे। बोले ये कपड़ा तुम पहनोगे, तुम्हें गैया चढ़ावे के अलावा कोई दूसरो काम आता है? ये राज घराने के कपड़े हैं। दाऊ दादा की तरफ देखो, दाऊ दादा ने आखन ते इशारा कर दो, लाला यहीं ते श्री गणेश करनी है, देर मत करे। आज कन्हैया ने एक थप्पड़ खींच के मारा और तुरंत तुरंत ही काम तमाम। अब तो सबरे ग्वाल बालन ने कपड़ा उठाए, एक ने एक पजम्मा सा उठायो, दोनों टांगन ने लेकर नीचे ते ऊपर तक एक ही में समाएगो। बोले लाला ये अभी एक टांग बची है। बोले यार टांगे कंधा पे डाल ले, वो छाओ काम करेगी सारे। एक ने कुर्ता की बगल जो बाजू है ना, बगल बंदी की बाजू, वही में सबरो समाएगो। बोले लाला यार कपड़ा फिर बचरो के ऐसी लपेट ले। राक्षसों के कपड़े थे, राजमहल के कपड़े थे, वो तो सब बड़े बड़े थे, अब ये ग्वाल बाल छोटे छोटे, इनको सरदारी कुल 11 साल को है भाई, तो जे कितने बड़े बड़े होंगे। अब तो जाए को मन जैसे करो माने वैसे उल्टे सीधे कपड़ा फसाए ले, और कपड़ों को पहनने के बाद में चलवे लगे तो बोले कन्हैया सारे गड़बड़ है रही है। बोले कहा? बोले यूं लग रही है कि हम सफाई कर्मचारी हैं। बोले क्यों? बोले देखिए रास्ता चले हुए मुझे भाई कपड़ा सभी सड़क के झाड़ रहे हैं। कन्हैया बोले चिंता मत करो, आगे चले तो देखा एक धोबी से जिससे कपड़े लेके आए उसका तो काम तमाम कर चुके, और आगे पहुंचे तो एक दर्जी मिल गया। दर्जी ने देखी हो पूरी सड़क साफ करने को ठेका है, वो पूरी कंपनी संग ही चली आ रही है। बोले महाराज जी कपड़ा? बोले भैया हम तो जा जुगाड़ में कि कोई दर्जी मिल जाए, तुम दर्जी हो कर दे। बोले बिल्कुल प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। आज दर्जी ने सबके कपड़ा सही करे। दाऊ बोले कछु इनाम दे दे। दर्जी ने हाथ जोड़े, महाराज अब ही पतो पर गई है कि तुम धोबी कैसो इनाम दे के आए हो, हमें इनाम पे दूरी रखो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, तुम पे मेरी ऐसी कृपा रहेगी कि हर युग में तुम पे मेरी कृपा बरसेगी। दर्जी जो होते हैं ना कपड़ा सिलने वाले, उनके ऊपर कन्हैया की विशेष कृपा। कैसे? कि जितने को कपड़ा है उतने ते दूनी तो आज सिलाई जा रही है, ये विशेष कृपा है। अब तो आगे चले ब्रजवासी, बोले लाला ने कसर रह गई। कन्हैया बोले अब काय की कसर है यार? बोले यार कपड़ा मिल गए बढ़िया, हम ब्रजवासी हैं, जब तक माथे पे थापक थुआ चंदन नहीं हो गए तब तक माथा सुनो सुनो अच्छो नहीं लगे, जब तक गले में मोटी सी माला ना हो गए तब तक मन नहीं करे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, माला को इंतजाम करवाएंगे। कहूं थे आगे पहुंचे मथुरा में, एक सुदामा नाम का माली रहता था, माधव का अन्यन भक्त था। भगवान उसके घर पे पहुंचे बिना बुलाए, आज वाने अपने यहाँ पे माला पहनाई। ब्रजवासी माला के कर रही शौकीन होते हैं, और कहूं को कोई होगा तो एक आध माला पहने मिलेगा ब्रजवासी के गले में, जब तक चार छह माला ना हो तब तक सुकून ना है। और फूलन की माला पहनवे को ब्रजवासी बड़ो शौक होते है। बिहारी जी के मंदिर में जाएंगे वो माला है कन्हैया दूर से दिखाएंगे, ले कन्हैया पहन ले और नेक आंख बंद करके और खुद के गले में डाल ले। ए तो पे तो बतेरी है यार, हम ये पहन लेंगे। आज सुदामा के घर से जो माली सुदामा है उसके घर से माला लेके आए,
एक बढ़िया मोटी सी माला उसने माधव के गले में पहनाई। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दे दिया। कन्हैया बोले है गई सब मनोकामना पूरी तुम्हारी ही कहनाए। बोले लाला नेक कमी रह गई। बोले कहा? बोले यार थापक थउआ तो लगो ही नहीं। थापक थउआ यहाँ हमारी बात सुने नहीं लगायो काऊ के। हमने आवत ही दे रही आठ दस टिक्की के इन्हें सबके पोत देकर, लेकिन हमारे वासु पे बेचारे पे फुर्सत ही नहीं रहे। वासु की तैयारी तो हमारे समझ जावे की लग रही है। अब तो कन्हैया के बीच में और ब्रजवासियों के बीच में बात है ही रही कि तुरंत एक ब्रजवासी बोलो भैया कन्हैया यार बड़ी जोर की सुगंध आ रही है, इतनी प्यारी सुगंध आ रही है, ऐसे लग रही है कि जैसे चंदन घिस के आए हुए कहूं की। कन्हैया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने एक कुब्जा जा रही थी। तीन जगह थे टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा, हाथ में एक कटोरा ले रखा है, हाथ में एक डंडा ले रखा है और मटकते मटकते चल रही है, जा रही है। कन्हैया ने आवाज दी, ओ त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, तीन लोक की सुंदरी। कुब्जाई एक बार तो रुकी, बोली मोगू कौन आवाज दे रहा है? फिर बोली त्रिपुर सुंदरी कह रहा है और सुंदरता में और हम में तो जमीन आसमान को अंतर है, हम सुंदर कोई मतलब ही ना है। जैसे ही अन सुनो करके आगे चली, कन्हैया ने फिर आवाज दे दी, ओ देवी ओ सुंदरी, ये हाथ में काय को कटोरा ले रहा है, डंडा लेके कितकू जा रही है। अब तो कुब्जाए भरोसो है कि मोते ही कही जा रही है। अच्छा माताओं के अंदर ये विशेषता होती है, अगर तुम उनसे कह दो ना कि आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो तो भैया तुम्हें रोटी की ना मिलेगी, मिलेंगी पूरी पकवान, चूंकि तुमने घरवाई की तारीफ ज्यादा कर दी। सुंदरी कह दी ना तो समझ लो व्यवस्था चोखी होगी आज भी तुम्हारी। माताओं को सुंदरी सुनना बड़ा पसंद लगता है। अब तो कुब्जा रुकी, बोली प्रभु आप कन्हैया बोले हम जो हैं सो हैं, तू अपनो परिचय दे तू कौन है। तो आज कुब्जा बड़े प्यारे से कह रही है, दास्याशहं सुंदरं कंस सम्मानता त्रिविक्कनामा हनुलेपकर्माणि मदभवितं भोजपत्रे राति प्रियं विना युवां कोण्यतमस्तद्रहति। प्रभु मैं महाराज कंस की दासी सैरंधी हूँ, सैरंधी मेरे हाथ का, मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे ब्रज मंडल में पूरे मथुरापुरी में प्रसिद्ध है। कन्हैया बोले तो नेक चंदन हमारी माथे पे लगाए दे। आज कुब्जा ने अपने हाथों से बड़ा बढ़िया थापक थउआ कन्हैया के चंदन लगायो, सबरे ब्रजवासी कटोरा के चंदन के हथको बापे फैल पड़े और सबने बड़े भाव से अपने माथे पे खूब थापक थउआ चंदन पोत लीनो। ब्रजवासी की तो आदत होवत है और इन ब्रजवासी पे तो कहावत चली है कि मुफ्त को चंदन घिस मेरे नंदन। ब्रजवासी चंदन लगाने कैसे, यो लयो हाथ में कटोरी धर रखी है चंदन की और वहां में तो लिंगे और यो गोविंद भगवान की जय। अगर कन्हैया जोरे आते सालग्राम आते तो नेक उनके लगा दीनो और बाकी के न्यो लेके और यहाँ पे शुरू करेंगे माथे पे। अब माथे पे लग गो भाई तो बच रहे, फिर वह नाक पे लगा लेंगे, फिर गालन पे लगाएंगे दोनों पे अभी तो बच गो, फिर गले पे भुजाओं पे अभी बच गो, तो वह यूं करके फिर कानन पे पूरे चेहरा पे लगा लेते हैं। ब्रजवासियों का भाव होता है। रसिका पागल बाबा जो थे वो कहते थे कि हम जो है ना ब्रजवासी पूरे माथे पे थापक थउआ चंदन न्यो लगामे कि कन्हैया हमें देख के न्यो तो कहवे कि देख कैसो हाउ बिलाऊ सो बन के घूम रो है और हमारे चेहरा को देख के एक बार उस कन्हैया के चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाए। कन्हैया को मुस्कुराहट दिलाने के लिए हम ऐसा भेष बनाते हैं।
आप तो सब ब्रजवासी ने चंदन पोतो। ग्वाल बाल बोले कन्हैया सब इनाम देते आ रो यार यहुए कछु दे दे। कन्हैया ने आज कुब्जा के पास गए, उसके अंगूठे पे अपना पैर रखा, उसकी थोड़ी से हाथ लगाया। ब्रजवासी बोले लाला तेरी तो ऐसी लग रही है कितनी सुंदर जोड़ी बनी हो। अरे तू त्रिभुवन का पति ये त्रिभंगा, दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर बन रही है। कन्हैया ने थोड़ी में नेक सारा ऊपर को मारो, कुब्जा के तो जितने जो टेढ़ी मेढ़ी वो सब गायब है के आज त्रिपुर सिंदूरी जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो त्रिपुर सुंदरी बनी। ये गोविंद की कृपा है। अब तो कन्हैया पहुंचे धीरे धीरे करके, जैसे ही कन्हैया आगे बढ़त जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रजवासी इन कन्हैया ने देख के वो मथुरा वाले कन्हैया को बड़ा जोरदार जोरदार स्वागत कर रहे हैं। कछु बड़े बड़े व्यापारी तो उपहार के रूप में सामग्री दे रहे हैं कन्हैया को, मानो वो जानते हो कि अब कंस का अंत होने वाला है और यही राजा बनेंगे, इन्हीं के हाथ में सत्ता आवेगी जाएगी। यही यहाँ पे मन के बैठेंगे तो इन्हीं ये खुश रखो। इस भाव को लेकर के व्यापारी बड़ा सुंदर स्वागत कर रहे हैं। अब तो भैया दिव्य सभा में पहुंच गए। उस सभा में भगवान परशुराम का दिया हुआ एक बड़ा सुंदर धनुष रखा था। परशुराम जी ने धनुष देते हुए कहा था कि जब तक ये धनुष है तब तक तू है, अगर धनुष को कुछ हो जाए तो समझ ले तेरा काम तमाम होने वालों है। कन्हैया बोले अरे सिपाहियों ने क्या धनुष हम छू के देख लें। सिपाही बोले ओ गवाल गवारो, तुम्हारे बाप दादे ने धनुष देखे, तुम्हारो काम तो खाली हाथ में डंडी ले बाल्टी ले गैया चढ़ाओ और गैया को दूध निकालो, यही काम है, दूसरों कोई काम नहीं है तुम्हारा। ए राजा महाराजाओं के काम होते हैं। कन्हैया बोलो इतनो कौन बढ़िया हाथ आएंगे, इतनो ये अच्छो हो तो हमारे हम का हाथ ना लगा सकते जाते, और तुम्हें तो डर लग रहा हो हमते, अगर डर ना लग रहे हो तो तुरंत छू लिन देते। हम बालक हैं कि इतना बड़ो धनुष है हमारे छूबे तो या धनुष को कछु बिगड़ जावे को। एक सैनिक बोलो छू लिन दे, जिन नेक सोसो तो तू है जे धनुष को का बिगाड़ लेगो, पर सुने छू तो रो धनुष के नीचे दबगो तो निकालोगो ना, उठाए के हाथी के नीचे फेंकवा दूंगो, सेरन के आगे नाश्ता में डलवा दूंगो। कन्हैया बोले छू लिन दे नेक, तनक छू लिन दे नेक बस। आज कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगाया प्रत्यंचा चढ़ाई दो टुकड़े धनुष के, और जैसे ही दो टुकड़े हुए सैनिक मारवे को दौड़े। दाऊ दादा बोले लाला एक हिस्सा मऊ दे दया को धनुष को, आज एक भाग दाऊ दादा के हाथ में एक भाग कन्हैया के हाथ में, और वही धनुष के टुकड़ा तलवार को सो काम कर रहे हैं, गदा को सो काम कर रहे हैं, छटपट घुमा रहे हैं, जो बीच में आ रहा वो काम तमाए। गोविंदा नमो नमे। कंस को खबर लगी धनुष टूट गो। अब तो हर काली चीज में कंस को कृष्ण नजर आ रहा है, परछाई से डर रहा है, बड़बड़ा रहा है उल्टा सीधा। उधर कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा के पास। प्रातः काल का समय हुआ, और प्रातः काल का समय होने के बाद में नंद बाबा बोले चलो भाई चलो। कन्हैया बोले बाबा तुम चलो, हमने कहा आ रहे पीछे थे। बोले ठीक है भैया जल्दी आ जाइयो। अब तो दाऊ दादा और कन्हैया संग संग आ रहे हैं, सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। दरवाजे पे कुमलिया पीठ नाम को हाथी बैठो भयो है, जिस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है, मुख्य दरवाजे पे बैठा है। भगवान बोले ए महावत इस हाथी को साइड में कर ले, हम भीतर जाएंगे, सुनता नहीं है, हटाए इसे। अब तो जो महावत बैठो वाने कही कि ये हाथी यहाँ पे हटे हुए क्यों नहीं बैठो, कि तुम्हें पल्लो को भेजे को बैठो है। कन्हैया बोले अच्छा हमारे संग जी दादा गड़बड़ कही तो तू और तेरा हाथी दोनों एक ही मुष्टिका में, हम लोग को रास्ता देख लेंगे।
तुरंत निकल लेंगे, परलोक पहुंचेंगे, मेरे हाथ से मरा हुआ यमलोक नहीं जाता है। आज दोनों का काम तमाम किया, एक एक दांत कन्हैया और दाऊ दादा लेकर के उस दिव्य सभा में प्रवेश कर रहे हैं। अब वह सभा की रौनक कैसी है महाराज, जो जिस सभा में बैठे हैं ना उसमें जैसा जैसा जिसका मन का भाव है वैसे ही रूप में कन्हैया का और दाऊ दादा का दर्शन कर रहे हैं। जो युवा हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे मित्र प्रवेश कर रहे हैं, जो स्त्रियां हैं वो ये भाव रख रही है कि हमारा पुत्र प्रवेश कर रहा है, जो युवतियां हैं वो सोच रही हैं कि देखो कितना सुंदर हमारे पति के रूप में कन्हैया प्रवेश कर रहा है, और नंद बाबा इत्यादि सोच रहे वाह हमारा गोविंद प्रवेश कर रहा है, हमारा पुत्र प्रवेश कर रहा है। बड़े सुंदर भाव के साथ दोनों हाथों में एक एक हाथ में दोनों भैया हाथी के दांत को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं। अब तो भैया अंदर पहुंचे, चाणूर मुष्टिक सल तोसल तुरंत चट पट काम तमाम। राक्षसन ने ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी मर जाए उतना ही बढ़िया। कंस बौखला गया, पकड़ लो इसको, जाने ना पाए, उल्टो सूदो बड़बड़ावे लगो। कन्हैया ने एक छलांग लगाई, आज बालों को पकड़ के कंस को घसीटते हुए लेके आ रहे हैं। कंस गरा छोड़ दे, मुझे पीड़ा हो रही है। आज कन्हैया रोष में भर के कह रहे हैं मैं तो ये छोड़ दूं, आज तो तू पीड़ा है रही है, वादन की पीड़ा कहां गई, जब तू मेरी माँ के केसों को पकड़ के तलवार लेके खड़ा था उस समय तुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही थी, आज तुझे मैं कैसे छोड़ दूं। अब तो भैया कन्हैया ने तुरंत जैसे ही कंस के ऊपर प्रहार किया, कंस का प्राणांत गोविंदा नमो नमे। कंस के और भाई थे वो सब आए, कन्हैया ने सबका अंत कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। दाऊ दादा ने अपना हलमूसल संभाल लिया और सबका एक तरफ से काम तमाम करने लगे। अस्ति और प्राप्ति, दोनों कंस की जो पत्नियां हैं, जरासंध की जो पुत्रियां हैं, विलाप करने लगी। भगवान ने जैसे तैसे उन्हें समझाया, नंद बाबा ने दौड़ के हृदय से लाला को लगा लो। अरे लाला तेने इतने बड़े बड़े दैत्य कैसे मार दिए। कन्हैया कह रहे मैंने कैसे मारे कि तो मुझको समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे सामने एक बंदर सो घूम रो और वो अपने हाथ में कोई गदासी घुमा रो और समझ ले के बाबा कोई काम तमाम करते हो जा रो। हाथों में सूटा लाल लंगोटा, भाई हनुमान जी है साक्षात और वही मान ले प्रवेश करके कर रहे हैं, और सभी जो मथुरा वासी जो पीड़ित थे वो कष्ट से मुक्त हो गए और बड़े प्रेम से एक भजन गाते हुए सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कन्हैया की। और जाकू कंसे मरवे को दुख हुए, गुन्योई बैठो रही हो, ताली बिल्कुल मत बजाइयो, और जाकू कंसे मरवे की खुशी हुए। भैया तालियों का आनंद लेते हुए एक भजन में बड़े भाव से चलेंगे। गुरु गोविंद भगवान की जय हो। मेरे बाके बिहारी के नैना सखीर कछु जादू सो कर गए, ओ मेरे बाके बिहारी के नैना सखीर कछु जादू कर गए, बिहारी के नैना सखीर कछु जादू सो कर गए, 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 बिहारी के नैना सखीर कछु जादू सो कर गए, सखी कछु जादू सो कर गए, मेरे कछु
तेरी बचो तो करे बिहारी के नैना सखी कछु बिहारी I'm gonna make you mine.
भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो भैया आज देवकी वसुदेव के पास पहुंचे। देवकी वसुदेव ने कन्हैया को गले से लगाया, 11 वर्ष के बाद मिला रे बेटा, तुझे आने में समय नहीं लगा क्या? क्या तू नहीं जानता कि तूने समय लगा दिया? अरे तू पहले तो आ सकता था ना। मानो कन्हैया की आंखों से सुधार बह रही और कह रही है, अभी कंस के पाप का घड़ा भरना बाकी था, उसकी श्वास कुछ बाकी थी। जब तक उसकी श्वास पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसके पापों का घड़ा नहीं भरता, माँ मैं यहां मथुरापुरी में नहीं आ पाया। माँ मैं तेरा कष्ट, मैं तेरा रेडी हूं कि तुमने इतना वियोग सहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुरंत कन्हैया ने उग्रसेन जी को मथुरा का नरेश, मथुरा का राजा घोषित करवाया। उग्रसेन जी बोले, अरे कन्हैया राजा तुम ही बन जाओ ना, तुमसे बढ़िया राजा कौन होगा प्रजा के लिए? प्रजा भी कहने लगी, हाँ हाँ ना कन्हैया तुम ही बनो। भगवान बोले, नाना जी हम जदुवंशी हैं, जदुवंशी, और हमें हमारे पूर्वजों का श्राप लगा हुआ है कि हम राजा नहीं बन सकते। आप सिंहासन पर बैठे बड़े शोभायमान हो रहे हैं, हम आपके सचिव बनकर आपके साथ रहेंगे। महाराज उग्रसेन सत्तासीन हो गए, सब अपने घरों को लौट के वापस चल दिए। अब तो कन्हैया नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा को बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी सामग्री दी। आज नंद बाबा को विदा कर रहे हैं। बाबा आपके साथ में रहा, आपने मुझे कोई कमी कभी महसूस नहीं होने दी, लेकिन बाबा अब मुझे अपने माता पिता के साथ रहना है। नंद बाबा अपने मन को समझा रहे हैं, मैं तो जानता था कि ये दूसरे की अमानत है और अमानत पे अपना अधिकार नहीं चल सकता, इसीलिए अब मुझे तो जाना तो पड़ेगा, तुझे तो हमसे वियोग होना तो है। आज मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं चाह तो रहा हूं, लेकिन जा करके वो जो सबको यश देने वाली यशोदा है उसको कैसे मुंह दिखाऊंगा। आज विचार करते करते नंद बाबा वृंदावन में पहुंचे। यशोदा ने बहुत विलाप किया, तुम अकेले चले आए, मेरे लाला को नहीं लाए? अरे एक बार तो मन में विचार किया होता, अरे तुम ही क्यों आए? जब मेरे लाला को नहीं लाए हो तो तुम भी मन नहीं आते। आज अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश करी। कहते हैं वो ब्रजवासी, जब से लाला गयो तब से हंसनो खेलनो मुस्कुरानो भूल गए। इधर कन्हैया का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ,
और सांदीपन मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में गुरु को उनका खोया हुआ पुत्र वापस लौटाया गुरु माता को, और कन्हैया वापस मथुरा में आके रह रहे हैं। मथुरा में पूरे 14 वर्ष रहे कन्हैया, लेकिन कभी ब्रज नहीं गए, कभी वृंदावन नहीं गए। एक संत ने भाव दिया कि कन्हैया वृंदावन और मथुरा में कोई ज्यादा थोड़ी दूरी है, गए क्यों नहीं? आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे कन्हैया ब्रज नहीं गए, वृंदावन नहीं गए? तो एक संत ने भाव दिया, मेरे कन्हैया ने माधुर्य लीला ब्रज में की थी, अब कन्हैया ऐश्वर्य लीला में हैं, ब्रजवासियों को ऐश्वर्य लीला पसंद नहीं आएगी, इसलिए छोड़ दिया। एक संत बोले, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन मेरा मत थोड़ा सा हटके है। बोले मेरा मत ये है कि कंस को माला कन्हैया ने, कंस का ससुर था जरासंध, और जरासंध बहुत ताकतवर था, उसके पास अपार सैन्य शक्ति थी, और कन्हैया जानते थे कि अगर मैं ब्रजवासियों के पास आता जाता रहा और ये बात जरासंध को पता लग गई तो जरासंध ब्रजवासियों को कोई हानि पहुंचा देगा, इसीलिए नहीं गए। आज मथुरा में एक सखा बनाया है उद्धव, उसी के साथ अधिक समय बैठते हैं। आज उद्धव ने कन्हैया के महल में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही क्या देख रहे हैं कि आज कन्हैया का मुखमंडल उदास है। जिस मुखमंडल पे सदैव हंसी थी आज वो खोया हुआ है। कन्हैया बोले, उद्धव आज मुझे ब्रज की याद आ रही है, आज मुझे माँ यशोदा के द्वारा पिलाया हुआ दूध याद आ रहा है, आज मुझे गोपियों की याद सता रही है। मैं कैसे उन ब्रजवासियों के बीच रहता था, मुझे मधुमंगल श्रीदामा ये जो सखा है ना, इन सब की याद आ रही है। अरे उदो सही बताऊं, ब्रजवासियों के प्रेम में मैं इतना पागल हो जाता हूं, उन्हें याद करता हूं, उनके प्रेम में इतना पागल हो जाता हूं, मेरी सुध-बुध खो जाती है, मेरा तो मुझ में कुछ नहीं है। तो ब्रजवासियों का प्रेम अटूट है, यहाँ मथुरा में मुझे अच्छा भोजन खाता हूँ, लेकिन फिर भी ब्रज के भोजन के आगे ये कुछ नहीं है, माँ के दूध के आगे ये भोजन कहीं नहीं टिकता। यहाँ मैं राजशाही महल में सोता हूँ, लेकिन मुझे तो माँ की गोदी ही याद आती है, वो यशोदा मैया मुझे कितने प्यार से रखती थी, सुलाती थी, मुझे आज भी याद है। जब मैं मथुरा आ रहा था ना, तो माँ यशोदा ने कहा था, तू मथुरा जा रहा है, मेरी एक एक बात वसुदेव देवकी को बताना, पर ये कभी मत बताना कि मैंने शांति लेके तेरे पीछे भागी थी और तुझे मैंने उखल से बांधा था, इस बात को मत बताना। इतना भाव में व्याकुल उद्धव बोले, अगर कन्हैया ऐसी बात है तो तू आज वृंदावन चला जाना। बोले भैया मैं नहीं जा सकता, एक काम करो ना, मेरा संदेश लेके उदो तुम ही चले जाओ। उदो मन में सोचने लगा, मुझे भेज रहे समझाने के लिए उन गवार ग्वालिनों के बीच में, उन्होंने कभी विद्यालय का मुख नहीं देखा होगा, अरे वो अशिक्षित हैं गोप ग्वाले, मैं वेद वेदांत को जानने वाला, मैं शुद्ध विशुद्ध वेदांत की भाषा बोलता हूँ, वो मेरी भाषा को क्या समझेंगे? लक्षणा व्यंजना आदि के द्वारा तत्त्वमसि आदि महावाक्यों को मैं बोलूंगा तो उनकी कुछ समझ में आएगा? भगवान बोले,
चले जाओ ना उधो, क्या सोच रहे हो। उधो ने सोचा भगवत आज्ञा पालन तो करना पड़ेगा। आज उधो जाने के लिए तैयार हुए। कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया और उधो को उड़ा दिया, भैया इसे ओढ़ के चले जा, जाकर के सबको मेरा संदेश सुना देना। आज उधो ब्रज में पहुंचे। जिस दिन से कन्हैया गए हैं ब्रजवासी एक ही रास्ते पे बैठ के देख रहे हैं, मेरो कन्हैया परसों की कह के गयो, आ रहे होगो आज कन्हैया को जाए 14 वर्ष बीत गए, कह गया परसों बीत गए परसों आया नहीं है। लेकिन उस रास्ते पे बैठ के उस रास्ते को रोज निहारते हैं, मेरा गोविंद इसी रास्ते से गया था, इसी रास्ते से गया था और परसों की कह के गया है। उधो मनी मन सोच रहे थे कि परसों की क्यों कह के गए, जब गोविंद को नहीं आना था तो परसों की ना कह के जाते, झूठ क्यों बोल के गए। तो कन्हैया ने कह के भेजा कि उधो वो परसों की आस में तो जीवित हैं, अगर परसों की ना कह के आता तो वो जीवित भी ना बचते। आज श्री रामा मधुमंगल सब बैठे उस रास्ते को तक रहे, अचानक उन्हें वही रथ जिसमें मेरे गोविंद गए थे उसकी ध्वज पताका नजर आई। उस ध्वज पताका को देख करके सब चिल्लाए, आज तो गोविंद आ रहा है, आज तो गोविंद आ रहा है। मधुमंगल पेड़ के पीछे बैठ गया, मैं नहीं मिलूंगा, ये चला गया 14 वर्षों तक इसे हमारी याद नहीं आई, मैं नहीं बात करूंगा। और जैसे ही रथ निकट आया सबसे आगे मधुमंगल दौड़ने लगा, सब सखाओं ने पूछा क्या हुआ, तू तो कह रहा था नहीं मिलूंगा। मधुमंगल बोला 14 वर्षों के बाद मित्र आया है, पहले जीवर गले तो लगा लूं, बाद में रो लूंगा, बाद में लड़ लूंगा, बाद में झगड़ लूंगा। रथ रुका, सबने गौर से देखा, ये कृष्ण सा लग रहा है, कृष्ण नहीं है, ये हमारा सखा नहीं है। अरे सखा होता रथ से कूद जाता, गले लगाता, ये तो दूर ही खड़ा होकर पूछ रहा है। उधो जी पूछ रहे, भैया नंद बाबा का घर कौन सा है, इशारा कर दिया, ये जो नाली आ रही है ना इसी नाली के सहारे चले जाओ, जहां पे बिल्कुल सुमसाम लोग बैठे हो, जहां कोई किसी से बात ना कर रहा हो, जहां सब कुछ लुटा पिटा सा हो, वही घर नंद बाबा का घर है। आज रथ दरवाजे पे खड़ा है, उस दरवाजे पे सामने देखा तो नंद बाबा अपनी पगड़ी उतार के रखी है, न जाने कब से तो पगड़ी नहीं पहनी, अपने सिर को अपने दोनों घोटुओं के बीच में लगा करके नंद बाबा बैठे हुए हैं। उधो ने कहा बाबा प्रणाम, मैं कृष्ण का मित्र आपको प्रणाम करता हूं। सखा बोले ऊंचा सुनते हैं जोर से बोलो, आज ऊंचे सुर में बोला बाबा प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं उधो, कृष्ण का सखा हूं। आज नजर उठा के देखा पीतांबर ओढ़ रखा था, गले से लगा लिया, अरे कृष्ण तू कहां चला, अरे कृष्ण तू कहां चला गया। उधो ये कहना चाहते हैं मैं कृष्ण नहीं मैं तो उधो हूं, आज गला रुंध गया। सखाओं ने समझाया ये तो उधो है, आज आंगन में प्रवेश किया तो अस्त व्यस्त एक जर्जर अवस्था वाली स्त्री आंगन में एक पलने के सहारे बैठी है,
उस पल्ले को धीरे धीरे हाथों से हिला रही है। उधो ने कहा, मैया मैं उधो कृष्ण का सखा प्रणाम करता हूं, एक बार में कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार में सोचा कि ये भी ऊंचा सुनती हूं, आज तेजी में कह दिया, मैया मैं उधो कृष्ण का सखा मथुरा से आया हूं, प्रणाम करता हूं। आज यशोदा मैया पलटी और बोली, शांत हो जाओ, मैंने लाला को अभी अभी सुलाया है, मैंने लाला को अभी अभी सुलाया है। नंद बाबा की आंखों से अश्रु धारा नहीं रुकी। अरे पगली, जिसे तू सुलाने की बात कर रही है वो तो 14 वर्ष पहले चला गया, जिस दिन से गया आज तक वापस नहीं आया है, तू उसे सुला रही। उदो उस स्थिति को देख के भाव में खो गए। पूरी रात चर्चा में बीत गई। यशोदा पूछती है, मेरा लाला ठीक से भोजन करता है? नंद बाबा पूछते हैं, कोई उसे वहां कमी नहीं है क्या, हमको भी याद करता है? पूरी रात बातों में बीत गई। सवेरा हुआ, गोपियों ने देखा कोई रथ आया है, कन्हैया के नंद बाबा के द्वारे पे खड़ा है। गोपियां पहुंची, सबके बीच में शोर हुआ, हमारा कृष्ण कन्हैया आ गया। उधो ने सोचा, ये तो मैं नंद बाबा के वात्सल्य में बह गया, यहाँ तो मेरा ज्ञान नहीं चला, लेकिन मैं उधो इन गोपियों को तो जरूर अपना ज्ञान दूंगा, ये आत्मा परमात्मा इनको समझाऊंगा। अब तो जाके उन गोपियों की स्थिति देखी तो गोपी एक बैठी हुई है आराम से ग्रुप बना करके। उनके बीच में एक भवरा आया, वो भवरा एक गोपी के हाथ पे बैठा। तो गोपियों ने भाव से कहा, रे भवरे तू भी काला, तेरा वो सखा कृष्ण भी काला, तू चला जा यहाँ से, तू भी फलों पे बैठता है, उनका रस लेता है, उड़ जाता है। ऐसे ही वो कन्हैया था, हमारे साथ रहा, खेला और उड़ गया। आज जैसे ही इतना कहा, तुरंत वो भवरा उड़ के जाने लगा। दूसरी सखी बोली, तूने उसको डांट दिया, ये जाके कृष्ण से शिकायत कर देगा। आज उधो बैठ के ये सब देख रहे हैं। मैं तो इनको उस परमात्मा का ज्ञान देने आया था, लेकिन ये तो पहले से ज्ञानवान है। कहते उधो सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। उधो उन गोपियों के बोल को सुन के सब अपना ज्ञान भूल गया। उधो सुधो है गयो, सुन गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुग डुगी। ये उधो जो इन्हें ज्ञान देने आए थे, कन्हैया से कह के आए थे कि मैं एक रात्रि से ज्यादा नहीं रुकूंगा, लेकिन 6 महीने हो गए ब्रज से जाने का मन नहीं कर रहा है। आज 6 महीने के बाद लौट के कन्हैया के पास पूछे तो कन्हैया बोले, क्यों उधो तुमने कहा था कि मैं आज जाऊंगा, एक रात रुक के वापस आ जाऊंगा, कौन सा तत्व ज्ञान दिया? उधो बोले, रे कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है रे, वो ब्रजवासियों की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे तो ऐसा लगा कि वो मैं 6 महीने के बाद आया हूं। ये 6 महीना नहीं, ये घंटा 2 घंटा कुल बीते हैं।
मुख तुझसे कितना प्रेम करती है रे। वो वृंदावन धाम अपार है, वो वृंदावन धाम की महिमा अपार है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहां डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। अब तो उदो के साथ रहने लगे। कहते हैं कि उदो के मन में ज्ञान का जो अहंकार था, कन्हैया ने वो ये कह के तोड़वा दिया, ये साबित करवा दिया गोपियों के बीच भेज करके कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, ज्ञान तो गुनने से मिलता है। आप किताबों में पढ़कर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, आप उस जानकारी को ले तो सकते हो, लेकिन उसको समझने के लिए आपको गुरु की शरण में बैठना पड़ेगा, गुनना पड़ेगा। जब तक गुनोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आ सकता। अगर अपने आप किताब पढ़ के समझ में आती तो स्कूल में मास्टर जी की जरूरत ना होती। अब शुक्राचार्य जी भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हुए कहते हैं, परीक्षित प्रभु के द्वारा जब कंस का उद्धार हुआ, कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास गईं और अपने वैधव्य का कारण, विधवा होने का कारण कन्हैया को बतलाया, तो जरासंध ने कुपित होकर 23 औक्षहिणी सेना तैयार करी और लगातार 17 बार मथुरा नगरी पे आक्रमण किया, 17 बार। लेकिन कन्हैया ने 17 बार उसे हराकर उसकी सेना का वध करके छोड़ दिया। दाऊ दादा बोले, लाला तू यार हर बार छोड़ दे, ये हर बार और लेके जाए इकट्ठो होकर फिर युद्ध करवे आया तो एक बार में ही काम तमाम चोना कर दे। कन्हैया बोले, हम तो राक्षसन को अंत करवे आए हैं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं, जो ढूंढ ढाड़ के इकट्ठे करके राक्षसन ने ले आवे, हम यही बैठे बैठे काम तमाम कर रहे हैं। कहते हैं आज 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को यज्ञ पे बैठा के गया और कहा कि मैंने सुना है ब्राह्मणों के तप में बहुत बल होता है, आप मेरी जीत की कामना करो। इधर ब्राह्मण हवन पे बैठे हुए हैं, जप पे बैठे हुए हैं, उधर जरासंध युद्ध करने पहुंच गया। भगवान ने देखा ये मानेगा नहीं, आज भगवान उसके सामने से मैदान छोड़ के भाग गए। ब्राह्मणों की लाज बचाने के लिए भगवान ने अपना नया नाम रखवा लिया, रणछोड़। बोल रणछोड़ भगवान की हो। कहते हैं ये गोविंद भगवान भक्तों के लिए कैसे कैसे रूप बनाते हैं। जिसको 17 बार हरा चुके हैं उससे डर के भाग गए, पूरी द्वारका पूरी अलग बना ली। एक पर्वत पे पहुंचे दोनों भैया, जरासंध ने पर्वत को घेर लिया, आग लगा दी पर्वत से कूद के। दाऊ और कन्हैया द्वारकापुरी में पहुंचे और जरासंध ने सोचा कि कन्हैया और दाऊ खत्म हो चुके, आज ब्राह्मणों के प्रति और ज्यादा निष्ठा जरासंध की बढ़ी और 25 वर्ष की आयु में कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश बन गए थे। कहते हैं परीक्षित और क्या सुनना चाहते हो, तो परीक्षित बोले, महाराज हमने सुना है कि भगवान के पहले विवाह में ही दिक्कत आई थी, पहले विवाह में। बोले बिल्कुल महाराज, रेवत की पुत्री रेवती का विवाह दाऊ दादा के साथ हुआ और कन्हैया का विवाह रुकमणी के साथ में हुआ, लेकिन इस रुकमणी के विवाह में बड़ी विचित्र घटना घटी। बोले कौन सी घटना? भगवान भीष्म कशुताम रुकमणि रुचनानना राक्षसेन विधानेन उपयेम इति स्वतम। आइए कृष्ण रुक्मणी के मंगल विवाह की कथा में प्रवेश करते हैं। विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे,
उनके पांच बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम रुक्मणी था और बेटी लक्ष्मी स्वरूपा थी। बड़े आनंद की साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। और जो पांच बेटे थे वो थे रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये पांच बेटे हैं। एक दिन राजा भीष्मक ने विचार किया कि मैं अपनी कन्या का विवाह द्वारकाधीश से करा देता हूं। तो रुक्मी बोला, नहीं नहीं, वो मैदान छोड़, रण छोड़, उसके साथ अपनी कन्या का, अपनी बहन का विवाह कराएंगे, उससे रिश्तेदारी जोड़ेंगे। तो भीष्मक जी बोले, फिर किसके साथ रिश्तेदारी जोड़ोगे? बोले, हमने अपनी अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ लिया। तुम चिंता मत करो, परसों बारात आएगी। बोले, परसों? बोले हाँ। बोले, कहाँ किया है विवाह? बोले, सिंधु नरेश दम घोष पुत्र शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह तय करके आया हूं। बोले, चलो बड़ी अच्छी बात है भैया। इधर रुक्मणी ने नारद आदि ऋषियों के मुख से यह सुन रखा था कि द्वारकाधीश कृष्ण भगवान कैसे हैं। उनकी महिमा को सुनकर के मन ही मन रुक्मणी कृष्ण कन्हैया से प्रेम करती है। भाभियों से कहा, भाभी हम तो कन्हैया को चाहती हैं। भाभी बोली, तो कन्हैया को बताओ तो सही, कोई खबर तो भिजवाओ। आज पंडित जी के हाथों पत्र भेजा और कुंडलपुर के पंडित जी पहुंच गए। पत्र लेकर के कन्हैया ने पत्र को पढ़वाया। पत्र को पढ़वाने के बाद में पता लगा कि रुक्मणी हमें चाहती है और कह रही है कि हमारा विवाह होने वाला है, जल्दी आ जाओ। तो कन्हैया बोले, इतनी जल्दी बुला रहे हैं कि परसों को ब्याह है और आज बुलावे की तैयारी है? अरे नेका टाइम और लगाते, हमार परविवाही होती तब खबर करते बिल्कुल। बोले, नहीं नहीं, बोले ठीक है, आज तुरंत अपने घोड़ों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ने लगे। दाऊ दादा ने पूछी, लाला कहाँ जावे? लेकिन जब तक दाऊ दादा ने आवाज दई तब तक घोड़े तो कोसों दूर निकल गए। दाऊ दादा ने पूछी सैनिकों से, क्या बात है भैया, कौन आयो, कहाँ गयो, कछु जानकारी? बोले, जी जानकारी है कि एक कुंडलपुर के पंडित जी आए बस। बोले, कुंडलपुर? अरे राजा विंध्रव देश के आए थे, भीष्मक जी के बेटी का विवाह है, मई के पंडित जी आए और माँ विवाह है, विवाह है माँ कन्हैया की, लड़ाई सुसपालते है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। सेना तैयार करके आज इधर से दाऊ दादा जा रहे हैं। उधर कन्हैया पहली पुत्र पहुंच गए, आज नगर के बाहर खड़े हैं। पंडित जी ने बता दिया, मंदिर में मिलने का वादा है, गौरी पूजा को आंगी और मंदिर में ही मिल लेना। इधर रुक्मणी मन ही मन व्याकुल है, पता नहीं कब आएंगे, कोई खबर पहुंची ना पहुंची। पंडित जी का पत्र पहुंचा है नहीं पहुंचा, पंडित जी भी लौट के नहीं आए। तो देखा सामने से पंडित जी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। और पंडित जी को जब प्रणाम किया तो पंडित जी ने अचक से कान में कह दी, चिंता मत कर बेटी, तेरा पत्र दे के ही ना आया, संग बुला लाया, मंदिर में ही मिलेगा, इंतजार कर रो, जा। अब तो भैया भीष्मक जी सगाई चढ़ाने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही भीतर बैठ जाओ, यही में प्रात में बैठ जाओ, परात में घुसे ही जा रहे हैं प्रसाद की में बालक, और काऊ को ध्यान ही ना है। बोल गोविंद भगवान की, तुम प्रसाद की तैयारी करवाओ, भीतर को चुप चुप, हाँ हल्ला बुल्ला में तैयारी होते तो पब्लिक की नजर प्रसाद पे जाते जाते बढ़िया जी को गुप चुप तैयारी करवाओ करो। और भैया तैयारी गौ हते अच्छा, अब तो सगाई चढ़वे की बात ही। तो भीष्मक जी सगाई चढ़ावे को चले हैं, लेकिन नगर के बाहर कन्हैया से मुलाकात है कि भीष्मक जी की। भीष्मक जी ने कन्हैया को प्रणाम किया और मनी मन बोले, देखो मैं तो चाहता था कि आपसे हमारी बेटी का विवाह हो, लेकिन हमारे बेटों ने अचानक में विवाह तय कर दिया है, तो
जो भी है वो देखा जाएगा। आप आए, बड़ी अच्छी बात है, आप जो है बड़ा शामिल होना विवाह में। कन्हैया बोले हम विवाह में सम्मिलित होने नहीं आए, हम तो दूसरे काम से आए, अपना काम करके चले जाएंगे, तुम अपना काम देखो। कहते हैं कि जब कन्हैया को भीष्मक जी ने प्रणाम किया था तो सैनिकों ने सोचा जय दूल्हा है। जो सगाई का सामान था कन्हैया के चरणों में रख रख के प्रणाम किया, जो सगाई शिशुपाल को चढ़नी थी वो पहले कन्हैया के चरणों में चढ़ी गई। अब तो पूरे नगर में हल्ला मच गया। जरासंध भी बरात में आया था, जरासंध को पता लगी कृष्ण आया है। जरासंध बोला शिशुपाल से तुम्हें पता है कन्हैया आया बरात में, कन्हैया नगर के बाहर देखो गए। शिशुपाल बोले अरे बातें तो हम भेड़े भी ढोलने का मुंह को तो लगे, बातें तो दुद्ध हाथन की सलाह है। अनगल बक डाला कन्हैया को। जरासंध बोले ठीक है भैया भाई, हल्को समझ में गलती मत करो, हम बातें कई बार हार चुके हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो एक काम करो सेना को भेज दो निगरानी करवे को। आज सैनिक आए मंदिर को घेर के खड़े हैं। रुकमणी जी आ रही हैं और रुकमणी मनी मन सोच रही है इतने सैनिकन के बीच में पता नहीं कन्हैया कैसे आएंगे, लेकिन कन्हैया तो पहले सैनिकन के बीच में खड़े हैं, कोने में से निकल के आए, रुकमणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ले जाने लगे हैं। मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं। जो सैनिक रखवाली के लिए खड़े थे वो उनके मुख से शब्द निकले, वाह कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है, कितनी अद्भुत जोड़ी लग रही है। कन्हैया की मुस्कुराहट के आगे फेल, कन्हैया की मुस्कुराहट के आगे कोई नहीं देख रहा है, बस मुस्कुराहट पर नजर है भैया। अब तो जैसे ही मुस्कुराहट पर देख रहे हैं, कन्हैया ने रुकमणी को रथ में बिठाया, लेके चलने लगे तो सैनिक बोले कि भैया हम लोग यहाँ काहे को खड़े। बोले रुकमणी की रक्षा करवे को, कि रुकमणी तो भैया एक के संग हाथ पर गई, कह रहे गोई तो लेगो दिखे, हम देखते ही रह गए लेगो। अब तो जन्माष्टमी में खबर पहुंची तो शिशुपाल ने बोला मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। जरासंध बोलो हम तो पहले ही कह रहे जो कृष्ण साधारण ना है, हम 17 बार हारे हैं आते 17 बार। शिशुपाल बोलो हम ते ज्यादा बेशरम पर ही हैं, मरवी में ज्ञान ना है, हम ते ज्यादा बेशरम या दुनिया में हते मरवी में कोई ज्ञान ना है। अब तो भैया बड़े भाव के साथ में इधर लेके चले हैं। वो डायरी कहाँ है भैया, कछु हो तो बोलने में डायरी को, वैसे ही विवाह को मौको आ रहे हैं। हाँ भैया, जिस किसी ने सहयोग ना किया हो वो अपना आएगा, जो भी दाना आया है, जिसने कथा में सहयोग नहीं किया वो अपने सहयोग को करवाने। भैया कल का दिन और है, हाँ जी कल कल की बात और है। जिसका जो मन हो, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं, आप सभी के सहयोग की कथा है भैया। इधर कहते हैं कि आज रुकमणी को लेके जा रहे कन्हैया चले तो पीछे से रुकमी भी पहुंचा, दोनों में युद्ध हुआ, कन्हैया के रथ को घेर लिया। जैसे ही घेरा है तो आज जोरदार जयकारा लगा, बोल दाऊ दयाल बिज के राजा की जय। कन्हैया बोले दाऊ दयाल बिज के राजा की जय जयकार है रही है, या को मतलब कछु कोई हवाई जान पहचान को आगो दिखत तो ऐसी लग रही है। आज तो बड़े सुंदर और भावपूर्ण तरीके से विवाह की तैयारी चल रही है, लेकिन विवाह की तैयारी बाद में, पहले आय भगवान पहले। बोली राधा रानी सरकार की, बागे बिहारी लाल। भैया 101 रुपए 10 किलो आटा और एक रिफाइंड की थैली मंजू गौड़ जी कथा में दे रही है, जोरदार ताली ताली भैया दिया करें, हाँ दान सुनते हैं। और 50 रुपए चरण सिंह जी, 501 रुपए प्रदीप कुमार जी के पापा पप्पू सिंह जी, 451 रुपए गुप्त दान
और 200 रुपया भंडारे को। जोरदार ताली भैया, दान कम है पर ताली तो जोर पे बजाओ कम से कम के, जैसी भी है और जैसी श्रद्धा है। बाकी तो कहती है कि जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। भगवान के नाम में जो चाहो जाको सहयोग करनो भैया कर सकता है। और आज जब कृष्ण में और रुक्मी में युद्ध हुआ तो कन्हैया ने रुक्मी को मारने के लिए तलवार निकाली तो रुक्मणी ने पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये मैं जब अपने पीहर जाऊंगी तो भाभियों के बेदबी का कारण बन जाऊंगी। तो आज कन्हैया ने सर को मूड़ना प्रारंभ कर दिया। इतने में दाऊ जी आए, बोले लाला जी नाईगिरी को काम कब तक कर लो। अरे रिश्तेदारों ऐसे नहीं करें, दोनों को समझाया। आज द्वारका में पहुंचे और बड़े सुंदर तरीके से विवाह की तैयारी चल रही है। सबसे पहले परीक्षित जी के हाथों पूजन, विवाह अभी तो होगा। परीक्षित जी तो तैयार पहुंचा, परीक्षित जी जहाँ खड़े हैं उन्हें मैं पहुंचवा दे बिल्कुल तैयार। और दोनों जने जहाँ सामने खड़े जाओ, इतकू होकर के हम तो देखें ऐसे, एक इतकू एक इतकू इधर मुंह करो, सामने पब्लिक की तरफ भी होगा, हमारी तरफ बीच में यूं ही। अब माला कहां है तुम्हारी, तो पहले माला डरवाई जावे। बंसी ये पटका में रख ले, वो बजाती है। बंसी तो चली गई बहुत पहले, पर अभी तो बंसी संग लेके डोले। बंसी तो वृंदावन में ही रह चुकी है। पटका में दवाई ले, पटका में। तो भैया पहले माला कौन डालेगा, रुक्मणी। ठीक है तो माला डाली जाए। हाँ जी, अरे हाथ में दुखाओ ने कहा तो भैया, कन्हैया जी माला पड़ गई, अब तुम्हारे हाथ में डरवाई जावे कि ना ना, तो रुंदे तुम आ जाओ, हट जाओ, अलग मत डरवा, बिल्कुल अलग हो, हटो अलग ना रे अलग। चलो तो डार दे, एक पर डारी हो तीन गिनती पई, एक दो ढाई, इतनी जल्दी, एक दो ढाई पौने तीन, तीन। जोरदार तालियां भैया, बैठा हुए ने। और एक एक करके सब पूजन करते जाएंगे भैया, भीड़ कम लगा में, थोड़ा थोड़ा करके पूजन करवो करें, सबको पूजन का मौका मिलेगा, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा भैया। और सभी बड़े भाव के साथ कह रहे हैं, आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, कैसे, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आएगा सभी भक्त पूजन करते जाए और मेरे साथ उनका आनंद लेते जाए। अरे आओ मेरी सखियो मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियो मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, अरे सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाई, को भुला के हाथ मेवा तो खरा दो, को भुला के हाथ लेवा तो खरा दो, को भुला के हाथ लेवा
तो खजा दो मुझे सुंदर की दुल्हन सुंदर की दुल्हन बना दो हरे मुझे साफ सुंदर की दुल्हन बना दो श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ चूड़ी जो कब हो न टूटे ऐसी कहनो चूड़ी जो कब हो न टूटे ऐसा दूला जो कब हो न छूटे ऐसा दूला जो कब हो न टूटे अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो हसुर में तुम्हें लगाओगी हसुर में आंखों में लगाओगी तो हसुर में आंखों में लगाऊंगी हसुर में आंखों में लगाओगी दुनिया से नात तोड़ उनकी हो जाओगी दुनिया से नात तोड़ उनकी हो जाओगी दुनिया से नात तोड़ उनकी हो जाओगी दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगी गुरु बोला के हाथ मेरे तो पढ़ा दो गुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो गुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो गुरु बोला के मेरे फेरे तो करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो बना एक एक करके सभी पूजन करते रहेंगे और कल कथा का विराम दिवस है परसों पूर्ण आहुति होगी तो भैया कल सुदामा जी के चरित्र की भी कथा सुनाई जाएगी व्यास पूजन भी होगा तो जो भी जिस प्रकार से व्यास पूजन की तैयारी से आए जिस प्रकार से सुदामा के लिए तैयारी से आए और भैया अगर सहयोग पूरा है तो भंडारा होगा और नहीं तो फिर हलुआ चना जिंदा भाल और भैया कल के जो परिचित हैं कल के जो परिचित हैं वो समय से आएंगे 7 बजे पूजन के लिए और भैया हमारी कथा में परिचित बन के जो बाबा बनेगा गौ आएगा यहाँ पे जय हो
जोरदार ताली है जाए इनकी तरफ से सुनने में आई कि 11,000 का सहयोग आ जाएगा। मैं कम से कम बताई हमें तो कि 11 तो कम से कम देंगे, बाकी बोनस हो भैया बाबा बने हैं। 11 तो कम से कम देंगे, बाकी तो बोनस हो उनको। एक चीज और बढ़ाई, एक आइए सभी एक एक करके पूजन करते रहेंगे, जिन्होंने पूजन नहीं किया वो पूजन कर लें। और भगवान श्याम सुंदर की विवाह के उत्सव में बड़े भाव से नाच रहे, जाए नाच नो अब छूटे भैया अब मने ना है या तो हम नाच सकते हो बस। आइए बड़े भाव के साथ चलेंगे। जी भजन चलेगा पहले या भजन गावे के बाद में, या भजन चले के बाद में कब चलेगा को? हाँ पहले माए के पे गवे गो जी, पैसा काहे के ले रहे बजावे के ना ले रहे, तो इन पे गबहनो पहले। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। Thank you.
मेरी बहन पे जाऊंगी श्याम तेरी बहन पे जाऊंगी श्याम तेरी बहन पे I'm gonna go get some more.
चला दे इनको भजन जल्दी चलाओ भैया। हाँ बाकी तुरंत बाद आरती है जाएगी। जो भी देखे यही पूछे है ये किसका कान, नैना तेरे कजरा रे, नैना तेरे कजरा रे, हर कदम पर तू बजाता चले मुरली कान्हा। प्यार करके तुझसे ये गाना बेकार हुआ बर्बाद हुआ, भूल गया अपना भी नाम बरसाना इसे बस याद हुआ। प्यार करके तुझसे ये गाना बेकार हुआ